अभी मेरे साथ किशोर उपाध्याय जी हैं, जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं यहाँ पे, और टिहरी जो है उनका अपना घर का इलाका है। अभी उनका खुद भी यहाँ से लड़ने का मन था, लेकिन टिकट नहीं मिला उन्हें, लेकिन वो कांग्रेस के लिए यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। आपका भी काफ़ी मन था इस बार अगर टिकट मिलता, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूँ। जब मैं अध्यक्ष पद से हटा तो उसके बाद मैंने पूरे प्रदेश में, खाली टिहरी में ही, पूरे प्रदेश में जिस तरह का वातावरण बन गया था, कांग्रेस भाजपा ने जिस तरह का वातावरण बना दिया था, हम 11 सीट पे आ गए थे, तो हमारा जो परिवार है, कांग्रेस परिवार, हमारा जो कार्यकर्ता है, डिमोरलाइज ना हो, इसलिए मैंने पूरे प्रदेश का दौरा किया। हाँ, ठीक है, टिहरी जो है मेरा घर है, ज़्यादा गया। टिकट देना न देना, बहुत से समीकरण होते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारी इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं होती। अब तो वो चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने अपना तेल शराब सब कुछ कर दिया। वो चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने, हम जो है वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन पार्टी जो तय करती है सब कुछ देख करके। और मेरी इच्छा है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा मतों से टिहरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रीतम सिंह जी सबसे ज़्यादा मतों से जीतेंगे, तो तभी जो है अगर टिहरी के मतदाताओं को आशीर्वाद देंगे तभी मेरा सम्मान भी होगा। इसलिए मैं उनके साथ हूँ, पूरे मन से हमारे साथ ही सारा कांग्रेस परिवार टिहरी में एकजुट है, बल्कि पूरे उत्तराखंड में। टिहरी झील बनने के बाद यहाँ पर तमाम समस्याएँ पैदा हुई, विस्थापन के मुद्दे हैं, एक आप बता रहे हाईकोर्ट में भी केस पेंडिंग है। अगर कांग्रेस के यहाँ से सांसद चुने जाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी भी एक उम्मीद होगी, क्योंकि कांग्रेस के वो सांसद होंगे, आप उनके पास जाएंगे, उनको बोलेंगे कि ये काम आप करिए, क्या वो काम होंगे? ऐसे वास्तव से चिंता का विषय ये है, आपने 2014 का भी लोकसभा का चुनाव देखा, 2017 में विधानसभा का चुनाव देखा, इस चुनाव को भी हम देख रहे हैं। चुनाव जो है वो चोर और चौकीदार के बीच में फंस गया है। चुनाव जो है जो आम आदमी के जीवन को जो चीज़ें प्रभावित नहीं करती हैं उसके बीच में फंस गया है। हमने तो बहुत पहले ही सभी राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखी थी कि आप लोग जो है उसमें सब लोग शामिल हैं, जो सिविल सोसाइटी है, जो और राजनीतिक दल है, सब लोगों ने एक जुट होकर के चिट्ठियाँ लिखी है सबको। इस चुनाव में यहाँ के जो सरोकार और उत्तराखंड के जो सरोकार हैं, वो खाली उत्तराखंड के सरोकार नहीं हैं, आप 60 करोड़ लोगों को जीवन देने का काम कर रहे हैं। मैंने परसों भी ट्वीट किया था, आप अगर जाएंगे उस पर, कि मैंने कहा ये मुद्दे कब बनेंगे कि मुझे शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध अन्न चाहिए। 60 करोड़ लोगों की जिंदगी जो है वो उत्तराखंड के पानी पर निर्भर करती है, उसको बचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? जब हम लोग और नेगी जी उत्तराखंड आंदोलन में थे तो इसलिए थोड़ी चाह रहे थे कि राज्य के हमें राज्य मिले, हम तो इसलिए चाह रहे थे कि इस देश का भविष्य सुरक्षित रहे, मानवता सुरक्षित रहे। अब टिहरी बांध, जब टिहरी बांध बनाने की प्रक्रिया हुई तो यहाँ के लोगों के साथ बहुत से वायदे कर दिए गए, आपको फ्री पानी देंगे, आपको फ्री जो है बिजली देंगे, आपको जो है प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार देंगे, जहाँ आपका विस्थापन करेंगे वहाँ सारी आधारभूत सुविधाएँ होंगी, बेसिक एमिनिटीज होंगी, कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि यहाँ पर अगर आप सामने देखिए, सामने ही एकदम वो तो काला पानी हो गया है। ये जो एक आध पुल भी बने हैं वो भी हाईकोर्ट, डोगरा चांटी का पुल तो बन ही नहीं पाया। डोगरा चांटी का पुल भी जो है, जब मैं सुप्रीम कोर्ट गया और जब कनेक्टिविटी का मसला आया तब जाकर के एक ये धनसारी में जो पुल है, पिरखी में एक जो है उधर थौलदार की तरफ है, ये डोगरा चांटी वाला पुल तब स्वीकृत हुआ था और उसके लिए हमने 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी थी। दुर्भाग्यवश 2007 में हम सरकार में नहीं रहे, उसके बाद उस पर काम ही नहीं हुआ। चिंता का विषय यहाँ के लोगों के लिए वायदे जरूर पूरे करने चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड की 500 सीटों से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और हम निश्चित रूप से उनके ऊपर दबाव बनाएंगे कि जो यहाँ के सरोकार हैं उनके लिए काम। तो ये हमारे साथ किशोर उपाध्याय जी थे, जिनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि सरकारें किसी की भी बने, चाहे कांग्रेस की बने, चाहे बीजेपी के बने, लेकिन जो टिहरी के मूल मुद्दे हैं, जो उत्तराखंड के मूल मुद्दे हैं, उनका समाधान होना चाहिए। और टिहरी, जिसने कि देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, इतने बड़े एरिया के लोगों का विस्थापन हुआ है, यहाँ से बिजली मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है उत्तराखंड से, लेकिन फिर भी टिहरी और उत्तराखंड के भले के लिए केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा सोच नहीं रही है, ये सबसे बड़ा अफसोस है।
जागो उत्तराखंड के लिए जागदार टिहरी गढ़वाल से आशुतोष नेगी।